अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चौपाई की शीट को इकट्ठा होने से बचाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने शीट को चौपाई के ऊपर बिछा लेना है और इसके कॉर्नर से पकड़कर इसको टर्न कर लेना है कुछ इस तरह से। अब बिल्कुल पाई के साथ आपने पेंसिल के साथ मार्क लगा लेना है। इसी तरह से आपने चादर के चारों कोनों को टर्न करके पेंसिल के साथ इनके ऊपर निशान लगाना है। शीट पर निशान लगाने का काम फिनिश हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मुझे जो चीज़ चाहिए वो है इलास्टिक। इसको मैंने 14 इंच के इक्वल 4 पीसीज में काट लिया है। मैंने 1 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है, आप चाहें तो हाफ इंच चौड़ा ले लें। इसको मैंने बिल्कुल दरमियान से मार्क वाली जगह पर रखकर आप स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरीके से मैं इलास्टिक को शीट के चारों कोनों पर अटैच करूंगी। इलास्टिक स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए मैंने इसी को शीट के साथ अटैच किया है। चादर को मैंने अगेन चौपाई के ऊपर बिछा लिया है और यहीं से मैंने इलास्टिक को पाई की राइट और लेफ़्ट साइड से नीचे लेके जाते हुए अब नीचे की तरफ गिरा लगा दूंगी। इसी तरह से मैं चौपाई के चारों कोनों पर इलास्टिक के साथ नीचे गिरा लगाऊंगी। इससे आपकी चादर अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, यकीनन आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।